तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ बिहारी बॉयज और मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंडिया के जितने भी हमारे लेजेंड हैं सुनील छेत्री उनके ऊपर, और उनके स्किल वगैरह देखेंगे। वैसे तो उनकी इज्जत उतनी ही है जितनी हमारे देश में पॉलिटिक्स की। बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं सुनील छेत्री ये है वो है, मगर इज्जत क्या करते हैं हम लोग को भी पता है। आप जाके उनके इंस्टाग्राम को फॉलोअर दे सकते हैं, 2.1, 2.3 होगा, अब वहीं जाके सोना मजवा कर देख लीजिए आप। तो वही हमारे देश का हाल है, ठीक है। ठुमका लगाने वाले लोगों का अभी ज़्यादा स्कोप है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, नहीं आए तो डिसलाइक। अब उससे भी ज़्यादा नहीं आए तो अनब्लॉक कर दीजिएगा चैनल को, ब्लॉक कर दीजिएगा सॉरी, ठीक है। तो वीडियो कि उनकी स्किल कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में उनके भी एक प्रेजेंस है, जो वही एक फुटबॉलर है जो हमारे देश को थोड़ा दिखाएं अपने इंटरनेशनल लेवल पे, बस इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकें, क्योंकि इंटरनेशनल वाले समझ जाते हैं, इंडियन वाले थोड़ा अभी बिजी है ये लड़कियों का थोड़ा रील्स वगैरह देखने में। जिस दिन वहाँ से हटेंगे तो शायद सुनील छेत्री को देख लें और फुटबॉलर को भी जाके मैच देख लें। हम तो बोलते हैं सोनम बाजवा को नचवा दो फुटबॉल ग्राउंड में, उससे ज़्यादा लड़का पहुँच गया। तो चलिए भाई लोग वीडियोस को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि अभी सुनील छेत्री का पेनल्टी देखें, इनकी भी पेनल्टी बहुत अच्छा है और इनको उस लेवल पे नाम नहीं मिला, इस लेवल पे मिलना चाहिए। तो इनका बस दिक्कत ये था, इनको ठुमका लगाने नहीं आता था और ये थोड़ा गलत स्कोप को इंडिया में फॉलो कर लिए। तो ये जितना ये टैलेंटेड है, अगर ठुमका लगाते तो आज इनके भी इंस्टाग्राम पर शायद 12-13 मिलियन फॉलोअर जरूरी होते, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा गलती होता है टैलेंटेड होना, ठीक है, क्रिंज होना सबसे अच्छा काम होता है। जैसे कि आप पासिंग स्किल देखें, इनके पासिंग स्किल भी, इनके टच वगैरह भी बहुत अच्छा है पैर का। और इनकी मैंने और भी बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें भी इनका टच वगैरह बहुत अच्छा है। इनको हम उस लेवल पे कभी ले नहीं जा पाए, नहीं तो ये बंदा आज इंटरनेशनली खेलता तो अलग लेवल का इसका पहचान होता, अगर इंडिया को छोड़ कहीं और खेलता तो। जैसे कि आप लोग अगर समझदार है तो समझ लीजिए कि एक फुटबॉलर होना इतना इजी नहीं है। वो इतना लोग देख के सोचे पड़ गए होंगे कि ये आज हो क्या गया है, इतना मैच देखने आ गया है, या तो फ्री में बुलाया गया होगा या तो जरूर कोई यहाँ पे लड़की बुलाया होगा डांस करने के लिए। ओपन सेरेमनी में जो होता है ना डांस वगैरह कराया जाता है, तो शायद वो देखने के चक्कर में फुटबॉल देख लिया। मैं अपने की स्टोरी बताता हूँ, मैं एक बार गुवाहाटी में गया था मैच देखने, तो वहाँ पे आई थी दीपिका पादुकोण शायद आलिया भट्ट, तो लोग फुटबॉल को देखने नहीं गए थे, वो आलिया भट्ट को देखने गए थे। तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, ठीक है, तो
टिकट वगैरह हमको भी मिला था ओपन सेरेमनी का, तो गया था मैं मैच देखने। तो वहाँ लोगों का मानसिकता आज के टाइम में क्या है कि ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है कि हम लोग को हीरो हीरोइन को बुला के प्रमोशन कराना पड़ता है कि लोग फुटबॉल देखने आए, मत आए, ऐसे कौन से इनको इतना सैलरी मिलता होगा, चलिए वीडियो देखते हैं, बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ एक ही आदमी को बोलने से फ़ायदा होता है, इंडिया में पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन ही बोलते हैं तो कुछ होता है। किक आप देख सकते हैं कितना बेटर किक है, इन्होंने जो क्रॉस ओवर होकर किक मारा वो इतना इजी नहीं है, देखने में हमको इजी लग रहा है यहाँ से बैठ के, मगर अलग लेवल का स्किल है इनका। ये बड़े मैच के प्लेयर है और इंटरनेशनली बहुत तगड़ा जाते हैं, और हमारे इंडिया में नहीं, आज इंटरनेशनली उतना नहीं जा पाए, फीफा वगैरह नहीं खेल पाए, नहीं तो आज इनका एक अलग नाम होता है। जैसे रोनाल्डो वगैरह का 2000 कितना है, 200 या 300 400 ऐसे कुछ फॉलोअर है, हमारे इनके भी रहते हैं फॉलोअर। मानसिकता ये नहीं कि फॉलोअर, इससे ये समझ में आता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आज सुनील छेत्री फॉलोअर मिलना नहीं मिलना उनके लिए बड़ा बात नहीं है, मगर हमारे देश के लिए बड़ा बात है, क्योंकि हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये मानसिकता होता है फॉलोअर से। फॉलोअर बने नहीं बने घंटा फर्क पड़ता है किसी को, ये इनको नहीं भी मिले तो खेलेंगे, क्योंकि चलिए वीडियो यहीं समाप्त हो गया, तो आगे बात करते हैं इनके ऊपर और भी कुछ। मैं सोच रहा हूँ आज का वीडियो लंबा होगा तो आज बात नहीं करते, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, नहीं पसंद आए तो चैनल को ब्लॉक, जो पसंद आए करिए, बाय।